Hello everyone, I'm Dr. Arun Gulati, working as a consultant in Ravindra Hospital, Panipat. आज हम बात करने जा रहे हैं टेनिस एल्बो की. टेनिस एल्बो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एल्बो पेन. 50% लोगों में एल्बो पेन जो है वो टेनिस एल्बो के कारण होता है. अब टेनिस एल्बो होता किस कारण है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक एल्बो का मॉडल है, ठीक है. टेनिस एल्बो में जो एल्बो की लेटरल साइड यानी कि जो बाहर वाली साइड है, ठीक है, उसमें ये जो आपकी बोन प्रोट्रूड हो रही है एल्बो की, उसमें आपको पेन रहता है. अब हम अगर इस मॉडल में देखते हैं तो एल्बो में ये बोन के ऊपर यहाँ पे मसल अटैच है, जिसको कि हम एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस प्रेविस कहते हैं, ECRP मसल. इसकी यहाँ पे अटैचमेंट को बार बार रिपीटेड यूज़ या ओवर यूज़ करने से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और टेंडिनाइटिस हो जाता है टेनिस एल्बो में. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेनिस एल्बो सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में हो रहा है. टेनिस प्लेयर में होने का कारण है जैसे कि इम्प्रॉपर स्विंग, ठीक है, अच्छे से ग्रिप नहीं बनाई, तो उसकी वजह से टेनिस एल्बो हो जाता है. बट जैसे लेबरर्स में, ठीक है, हैवी वेट लिफ्टिंग और रिपीटेड यूज़, अगर हम हैवी मशीन टूल्स बार बार यूज़ करते हैं जैसे कि स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना, तो उसमें रिपीटेड यूज़ से यहाँ पे टेनिस एल्बो के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नाउ हाउ डू वी ट्रीट इट एंड हाउ डू वी डायग्नोज इट, ठीक है. सो द डायग्नोसिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन सिम्टम्स. जैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, पेशेंट को यहाँ पे पेन रहता है, एंड एज वी एग्जामिन द पेशेंट, पेशेंट को एक्सटेंडेड एल्बो में अगर हम यहाँ पे रिस्ट को एक्सटेंशन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पेशेंट को पेन आता है. सो दैट गिव्स अ डायग्नोसिस कि पेशेंट को टेनिस एल्बो है. नाउ हाउ डू वी गो फॉर ट्रीटमेंट. तो टेनिस एल्बो में द बेसिक ट्रीटमेंट ही सबसे पहले उस पार्ट को रेस्ट देना है, यानी कि जो भी हैवी वेट हम उठा रहे हैं या रिपीटेड एक्टिविटी कर रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं, उसको हमें स्टॉप करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है. सेकेंड, NSAIDs. NSAIDs आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनको यूज करके थोड़ा पेन और स्वेलिंग वहाँ पे टेंडन में कम हो जाती है, ठीक है. थर्ड थिंग इज टेनिस एल्बो ब्रेस कैन बी यूज, विच इज अ स्ट्रैप विच कैन बी यूज हेयर, जो आपकी मसल की मूवमेंट को थोड़ा सा प्रिवेंट करता है और उसको काइंड ऑफ रेस्ट देता है, ठीक है. अगर पेशेंट को ये सब करने के बाद भी पेन नहीं जा रहा है तो यू कैन यूज स्टेरॉयड इंजेक्शन एज वेल एज PRP इंजेक्शन कैन बी यूज फॉर द रिलीफ ऑफ टेनिस एल्बो. जो टेनिस एल्बो का पेन है उसको जाने में अराउंड 4 to 8 months मिनिमम लग जाते हैं. सो इट इज़ अ स्लो रिकवरी प्रोसेस बिकॉज टेंडन में माइक्रो टीयर्स रहते हैं, उसको धीरे धीरे भरने में टाइम लगता है. एंड इन 5% ऑफ द पेशेंट यू मे नीड सर्जरी, उसमें जो ये वाला टेंडन की अटैचमेंट को हम यहाँ से रिमूव करके डिब्राइड करते हैं जिससे कि रिजल्ट आते हैं. इन 5% ऑफ द पेशेंट यू कैन यूज सर्जरी फॉर द प्रॉपर आउटकम ऑफ द टेनिस एल्बो. थैंक्स.